हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैंने मूली का पराठा दो तरीकों से बनाने के लिए बताया है, तो इस जिस तरह से आपको आसानी लगे आप बनाइए। और बहुत ही टेस्टी ये बना है हमारा ये मूली का पराठा, और मैंने इसे सर्व किया है आंवले की चटनी और आम के अचार के साथ। आप सब्जी, दही या जिस चीज़ के साथ भी खाना चाहें या केवल चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बना है ये मूली का पराठा। दो बड़ी साइज़ की, इतने बड़े साइज़ की मूली धोकर छील कर ले लिया है। इसे अब हम कद्दूकस कर ले रहे हैं। मूली को कद्दूकस कसने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इसे मिलाकर इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी रिलीज हो जाए, क्योंकि मूली में पानी बहुत होता है। ये मूली से हमने, ये देखिए, इतना पानी निचोड़ कर निकाला है। ये मूली हमारा, इसे पानी निकाल कर इसे सूखा कर लिया है। इसमें अब पानी इतना नहीं है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा है ये, और 8 से 10 कली ये लहसुन है। 10 कली होंगे छोटे, तो अगर आपके पास बड़े हों तो आप 4 ही लेना। और ये 1.5 मिर्ची है, आपको तीखा खाना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये धनिया 1 बड़ा चम्मच। इन सबको हम मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसमें नमक भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे इसे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने मूली में डाला था नमक इसका पानी निकालने के लिए। यहाँ पर हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं, फिर अपना मूली का पराठा बनाते हैं। आटा हमारा गूंद कर तैयार है, और ये बहुत ना ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही हार्ड भी नहीं रहेगा। ये जैसे चपाती के लिए, रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह से लगा लेंगे। और अब हम अपना पराठा बना लेते हैं। ये स्टफिंग भी हमारा तैयार है, और इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे। हर चीज़ में मसाला इतना अच्छा भी नहीं लगता है, ये ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो अब हम पराठा बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए पहले हम गैस ऑन करके तवा को गर्म होने के लिए रख देंगे, और यहाँ हम एक लोई ले लेंगे आटे की। और इसे हम इस तरह से कटोरी जैसा किनारे से चिपटा करते हुए, इस तरह से हाथों से दबाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे इस तरह से। और इसमें हम अच्छा खासा ढेर सारा ये मूली इस तरह से भरेंगे, और इस तरह से हाथों से इसे अंदर की तरफ पुश करते रहेंगे, और इस तरह से फिर इसे इकट्ठा करके लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। इसमें पानी फिर भी थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है अगर कहीं से फट जाए तो इसलिए आप इसमें सूखा आटा लगा लगा कर भी बेलेंगे। पराठा बेलने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इसका जो अंदर से पानी छोड़ते रहता है, तो उसकी वजह से, लेकिन आप हैंडल कर पाएँ तो इस तरह से बनाएं। पर हम थोड़ा सा तेल लगा के पराठे को उस पर डाल देंगे, और एक दूसरा पराठा आप इसी का इस तरह से बना सकते हैं कि दो छोटी छोटी रोटी के जैसे लोई ले लें, और इसे हम इस तरह से पतली पतली रोटी की तरह बना लेते हैं। और ये वाला पराठा तब तक हम पलट कर इस तरह से इस पर तेल लगा देंगे। दूसरी तरफ से भी इस पर तेल लगा कर इसे सेक लेंगे।
तब तक हम अपनी ये दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। ये पराठा हमारा सेक का तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पराठे को देख लेते हैं, इसे हमें किस तरह से बनाना है। तब तक हम फ्लेम जो है कम कर देंगे। दूसरा पराठा में हमें ये रोटी की तरह इसे बेल कर ले लेंगे लोई को, और उसके बाद हम इसमें ये स्टफिंग को इस तरह से फैला देंगे। जितना ढेर सारा आप चाहें स्टफिंग भरना भर सकते हैं इसमें। इस तरह से फैलाने के बाद हम ऊपर से ये दूसरी रोटी इस तरह से अच्छे से चिपका लेंगे। इनको किनारों से इसे दबाते हुए हम इकट्ठा कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से बेल देंगे। इस तरह से पराठा बनाने में ये फटेगा भी नहीं और बनेगा भी बहुत अच्छे से। ये देखिए, आप इसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इस तरह से पराठा बनाने में। ये बढ़िया हमारा पराठा तैयार हो गया, और ये देखिए ये कहीं से फटा भी नहीं। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे। तवे पर डालकर इसे हम एक साइड से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसमें तेल लगा देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। फिर से और ये सेंकने में भी आसानी रहती है, और इस तरह से पराठा बनाने में कहीं से ये फटता नहीं है, बहुत ही बढ़िया बन जाता है। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे को तैयार कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से दबाते हुए घुमा पलट पलट कर हम पराठों को तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये क्रिस्पी करारा पराठा तैयार है। और ये देखिए इसकी स्टफिंग कितने अच्छे से इसमें भरी हुई है। अब हम इसे हटा लेते हैं। दोनों ही तरीके का हमारा पराठा तैयार है। ये वाला भरा हुआ है लोई बनाकर, और ये दो रोटियां जो चपातियां बनाकर मैंने पराठा बनाया था वो। और देखिए कितने अच्छे से इसमें पूरे में स्टफिंग भरा हुआ है। और मैंने इसे सर्व किया है आंवला के चटनी से और आम के अचार के साथ। आप इसे चाहें तो दही या सब्जी किसी भी साथ चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये मूली का पराठा ठंडक के मौसम में गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो आप इसे एक बार अपने घर बनाइए ज़रूर।